हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आप जहर खा सकते हैं? तो आप सोचेंगे मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सबका आंसर ना भी होगा। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जहर खा रहे हैं, वो भी स्लो पोजन के नाम से खा रहे हैं। हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके अंदर जहर पाया जाता है और जो कि हमारे शरीर में स्लो पोजन का काम कर रहा है। और धीरे धीरे वो स्टार्टिंग हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे जब 10 से 20 साल हम उस वेजिटेबल फ्रूट्स को खा रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर स्लो पोजन का काम करता है और एक दिन ऐसी बीमारी को डेवलप कर देता है, ऐसी बीमारी हमारे अंदर लगा देता है जिसको हम लाइलाज कह सकते हैं, या हम ऐसी है कि हम ख़त्म करने के लिए, इसको राहत पाने के लिए हमें टैबलेट्स या मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। पर ये मेडिसिन और टैबलेट के सहारे हम उस दवाई को के द्वारा हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, बीमारी को हम कम कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, पर उसे यह है कि ठीक नहीं कर सकते। तो उसे क्या कहते होंगे कि हम अच्छा ब्रांड का फूड खाते हैं, पर यह है कि आजकल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रहे हैं जो भी अच्छी क्वालिटी के आप खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो गई है। पर है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके, हम हमेशा हेल्दी रह सके। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने फूड डाइट के साथ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट साथ में ऐड करने होंगे ताकि आप हमेशा स्वस्थ।